हाय गाइज, शायद कुछ दिनों बाद आप इंटरनेट उतना फ्रीली यूज नहीं कर पाए। टेलीकॉम कंपनी और TRAI ये मानते हैं कि अलग अलग साइट्स और अलग अलग एप्स एक्सेस करने के लिए आपको अलग अलग पैसे देने पड़ेंगे। जो व्हाट्सएप कॉल आपको फ्री लगती है, हो सकता है उस पर मोबाइल कंपनीज आपको व्हाट्सएप कॉलिंग का चार्ज भी लगा कर दे दे। हो सकता है कि आप स्नैपडील एक्सेस करने के लिए अलग और फ्लिपकार्ट यूज करने के लिए अलग पैसे दे रहे हो, जैसे अभी तक नहीं होता था। इसलिए मैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी से मन की बात करना चाहता हूँ और 2 मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा। क्या पता आपको उससे ज्यादा देखने के चार्जेस पड़ जाएं। तो PMD, आपको इलेक्शन जिताने में इंटरनेट का बहुत बड़ा हाथ था। आप करोड़ों लोगों तक इंटरनेट के जरिए पहुँचे। किसी तक आप पहुँचे YouTube के जरिए, किसी तक Facebook के जरिए, तो किसी तक Hangout, Twitter, Skype या WhatsApp के जरिए। पर डला चोचिए, अगर तब मेरा मोबाइल ऑपरेटर मुझसे बोलता कि अगर YouTube पे मोदी जी को देखना है तो अलग पैसा लगेगा और Facebook पे देखना है तो अलग पैसा लगेगा और अगर तेज तेज देखना है तो और भी ज्यादा पैसा लगेगा। और धोतिए, अगर तब नेट न्यूट्रलिटी नहीं होती तो क्या आप इतने लोगों तक पहुंच पाते? आप हमें बोलते हो ना मितलों, तो प्लीज मितलों के लिए स्वच्छ इंटरनेट अभियान चलाइए और मेरे साथ बोलिए TRAI डोंट इवन ट्राई, और TRAI तक अपनी आवाज पहुंचाइए उन्हें ईमेल करके। इंटरनेट माता की जय।